वेलकम बैक टू एनिमल क्लासिफिकेशन बच्चों। आज के लेक्चर में तीन फाइलम और कंसीडर करते हैं, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर वन, मोलस्का, इनका नाम मोलस्का इसीलिए रखा बेटा क्योंकि इनका जो बॉडी है ना, द बॉडी इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड स्लाइमी। इनका बॉडी हद से ज्यादा नरम और स्मूथ होता है, एकदम जेल की तरह होता है, इसलिए इनको मोलस्का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, ये एनिमल्स हमको यूजुअली कहां पर मिलेंगे, तो यू विल फाइंड देम इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड यू विल आल्सो फाइंड देम इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल मींस लिविंग ऑन लैंड बेटा, सो दे आर लैंड लिविंग, एंड एक्वेटिक यानी पानी में रहेगा। और पानी में भी कैसे मालूम है, ये मोस्टली मरीन होते हैं बेटा, यानी मोस्टली तुमको ये सॉल्ट वाटर में मिलेगा। मरीन वाटर मींस सॉल्ट वाटर, एंड वेरी फ्यू ऑफ देम दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट, देन देयर बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई होप यू रिमेंबर, ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस बॉडी मेड फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। Then talking about their symmetry, better, their body is bilaterally symmetrical, so it shows bilateral symmetry. Bilateral symmetry means the body can be divided into two equal half only through one imaginary axis passing through the center of the body. फिर इनके body cavity के हिसाब से बात करें बेटा, so they are eucelomates. Eucelomates का मतलब होता है they show true cavity. Okay, we'll also write here, triploblastic was three layers, ectoderm, beech wala, mesoderm, andar wala, endoderm beta. Next, moving on. Reproduction ke hisab se beta, these organisms are unisexual. Unisexual yani ek body mein sirf ek hi gender. That means male body and female bodies are separate. Okay? So these animals are unisexual. Then coming to example. Example में here you remember the shortcut of boss. Okay? B से bivalve. Next O से octopus. और S से snail. अब snail का point तुमको ये याद दिलाना चाहिए कि मोलस्का में सबके पास bilateral symmetry है except स्नेल। ये ना तुझे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं बेटा कि स्नेल्स का जो सिमेट्री है ना वो फिक्स्ड नहीं है, डज नॉट शो बायलैटरल सिमेट्री बेटा। अच्छा, अब ये तीनों में से ऑक्टोपस जो है ना, ऑक्टोपस इज कंपैरेटिवली मोर क्लेवर, बहुत होशियार जानवर है इस पूरे कैटेगरी का। दूसरी बात, ऑक्टोपस कैन चेंज इट्स कलर, वो अपने शरीर का रंग बदल सकता है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। ऑक्टोपस का कैसा है ना, ये कार्निवरस होता है बेटा। ओके, इसका एक्चुअल नाम है डेविल फिश, तो ये क्या है ना, बाकी की मछलियों को पकड़ लेता है। और तो और, ऑक्टोपस के पास जो मल्टीपल ऐसे फीट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, उसके मदद से इट कैन शो थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दैट इज वॉकिंग, क्रीपिंग एंड स्विमिंग। ये याद रखो। ओके, सो दैट्स अबाउट ऑक्टोपस दैट वी आर सपोज टू नो। अच्छा, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट्स अबाउट मोलस्का वी विल रिमेंबर इज, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। तुझे याद है हमारे पिछले लेक्चर से, आर्थ्रोपोडा वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, आधे से ज्यादा जानवर आर्थ्रोपोडा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओके, एंड द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। नेक्स्ट, मोलस्का में इनका जो बॉडी होता है, हर जानवर का बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मास का मतलब होता है इंटरनल मास, और इनका जो इंटरनल मास है यानी अंदर का जो नरम वाला बॉडी है, विसरल मास, उसमें एक कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज मैंटल। तो इनका जो अंदरूनी नरम शरीर रहता है ना, उसका जो कवरिंग है, इट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मैंटल, एंड मैंटल
releases or you say produces, okay, calcareous shell. कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कंटेनिंग, ये लिख के रखो बच्चों नोट्स ना, कैल्केरियस मींस कैल्शियम कंटेनिंग, और ये जो शेल है इन जानवरों का, कुछ कुछ जानवरों में ये शेल एक्सटर्नल होता है, कुछ कुछ जानवर में ये शेल इंटरनल होता है, और कुछ कुछ जानवर में ये शेल एब्सेंट होता है। यानी देखो मोलुस्का कैसे ना, इनका बॉडी एकदम सॉफ्ट और नरम होता है, इसलिए कुदरत ने क्या किया ना, इनके बॉडी के आजू बाजू में इनको शेल देके रखा है, यानी कवच देके रखा है, और ये शेल एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और कुछ कुछ जानवरों में ये शेल एब्सेंट भी होता है। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट कम्स फाइलम एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा का नाम एकिनोडर्मेटा इसलिए रखा है बिकॉज एकिनो का मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मेटा यानी स्किन, दैट मींस बॉडी। तो इसके बॉडी पे ना बहुत सारे कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा, ये कैल्केरियस होते हैं। तो दीज आर कैल्केरियस स्पाइन्स। कैल्केरियस स्पाइन का मतलब होता है कैल्शियम कंटेनिंग बेटा, कैल्शियम के बने होते हैं, ओके। और सम ऑफ देम हैव ऑसिकल्स और प्लेट्स। ऑसिकल्स का मीनिंग है स्मॉल बोन लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी हड्डियां, ये याद रखो। सो एकिनोडर्मेटा की स्पेशलिटी व्हाट यू फाइंड ओवर हियर इज कि एकिनोडर्मेटा शोज लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन्स, इसके शरीर पे बहुत सारे कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कांटे की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं ना मैडम, वो कैल्शियम के बने होते हैं। सो दीज आर कैल्केरियस स्पाइन्स, ओके। सम ऑफ देम शोज स्मॉल स्मॉल बोन्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऑसिकल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेट्स एट टाइम। Moving on, next, Echinodermata is found only in oceans. ये हमको सिर्फ और सिर्फ oceans में मिलेगा, ये याद रखना। Moving on, Echinodermata is also triploblastic. Triploblastic is the body made from three germ layers. Outer layer called as ectoderm, middle layer called as mesoderm, इंटरनल लेयर कॉल्ड एज एंडोडर्म। नेक्स्ट एकिनोडर्मेटा इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री व्हेन इट इज इन लार्वल स्टेज इट शोज बायलैटरल सिमेट्री एंड व्हेन इट इज इन एडल्ट स्टेज इट शोज रेडियल सिमेट्री। लार्वल यानी बच्चू, ओके, ऐसे याद रख, से बच्चू, ब से बाइलैटरल। सो लार्वल स्टेज में, जब ये बच्चू स्टेज में रहता है ना, तो इसकी बॉडी को आप टू इक्वल हाफ में काट सकते हो ओनली थ्रू वन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, और जब ये अडल्ट स्टेज में ग्रो हो जाता है ना, तब उसमें रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। कॉमनस्ट एग्जाम्पल है स्टारफिश, सो यू कट इट अलॉन्ग डिफरेंट रेडियस पासिंग थ्रू द सेंटर, यू विल ऑलवेज गेट टू इक्वल हाफ। मूविंग ऑन, कैविटी के हिसाब से अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा, देन दीज आर ऑल्सो यूसीलमिट्स। वाई दे आर कॉल्ड एज यूसीलमिट्स? बिकॉज दे शो प्रेजेंस ऑफ ट्रू कैविटी, राइट, दैट इज वाई यूसीलमिट्स। सेक्सुअलिटी के हिसाब से यहां पर भी सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो सब है यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल के हिसाब से वी विल रिमेंबर टू एग्जाम्पल स्टार्टिंग विथ सी and two examples related to star. So first two examples are sea urchin, next example is sea cucumber. Then star से remember starfish and last remember brittle star. Okay बेटा, अच्छा इनके स्पेशल पॉइंट पे ये याद रखो कि दे हैव गुड अमाउंट ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी यानी इवन इफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज लॉस्ट, सो इट रीजनरेट्स, ओके, एंड इट ग्रोज अगेन बेटर। नेक्स्ट, दे शो प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट।
ट्यूब की तरह पैर होते हैं बेटा, दैट ट्यूब फीट हेल्प्स देम इन लोकोमोशन एंड दिस ट्यूब फीट आल्सो हेल्प्स देम टू कैप्चर देयर प्रे, यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी काम में आता है बेटा. ओके राइट, सो दैट इज फाइलम एकिनोडर्मेटा. मूविंग ऑन, लास्ट फाइलम फॉर टुडे, दैट इज हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा में कैसा है ना कि इसमें जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज अ कॉलर, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रंक. प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये कैसा होता है ना हेमिकॉर्डेटा में सारे के सारे कीड़े ना बेटा कुछ इस तरह दिखते. ये देखो. ओके, सो पहला जो पार्ट है उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा उसको कॉलर बोलते हैं, फिर द रिमेनिंग बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रंक. ये याद रखो. ओके, नेक्स्ट, हेमिकॉर्डेटा शोज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ओनली इन द प्रोबोसिस रीजन. तो इसके पास जो नोटोकॉर्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही रहता है बेटा. प्रोबोसिस यानी उसका स्टार्टिंग का पार्ट, जो माउथ लाइक पार्ट है वो. ओके, सिंस इट इज शोइंग नोटोकॉर्ड ओनली इन द प्रोबोसिस रीजन, इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा बोला है. यानी इसके पूरे बॉडी के लेंथ के अलोंग नोटोकॉर्ड नहीं है. यानी इस जानवर से नोटोकॉर्ड की रचना करना स्टार्ट किया कुदरत ने. नेचर स्टार्टेड फॉर्मिंग नोटोकॉर्ड फ्रॉम दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. And in these animals, the full developed notochord is not present along the entire body. It is present only in the proboscis region. That is why, beta, they are called as hemichordata. अच्छा, एक और बात याद रखो, इनका और एक नाम है. They are also called as acorn worm. Acorn क्या होता है ना बेटा, ये एक तरह का नट है, यानी एक तरह का सीड है. इसका तुम फोटो देखोगे ना तो ये सीड ऐसा रहता है और इसके ऊपर ना ऐसा एक कैप्सूल जैसा कवरिंग रहता है. तो यहाँ कैसे इसका एक कॉलर ऑफ बॉडी है और उसके ऊपर प्रोबोसिस जैसा कवरिंग है, दैट इज द रीजन व्हाई. ओके, इसका रिजेम्बलेंस ऐसा आ रहा है ना, इसलिए इसको एकॉर्न वर्म्स भी बोलते हैं. ये याद रखो. अच्छा, मूविंग ऑन, ये जो सारे के सारे वर्म्स हैं ना, ये तुमको सैंड बरोज में मिलेंगे. यानी रेत के अंदर खड्डा खोद के रहते हैं बेटा, और पानी में अगर बात करें ना तो ये खारा पानी में, सॉल्टी वाटर में मिलेगा. दीज आर मरीन. Then, as usual, these are also triploblastic, showing presence of three germ layers, outer ectoderm, middle mesoderm, अंदर वाला endoderm. Symmetry की अगर बात करें बेटा, so these are also showing bilateral symmetry. And body cavity के हिसाब से these are also eucelomates. Showing presence of true body cavity. अच्छा, सेक्सुअलिटी के मामले में यहाँ कुछ कुछ कीड़े यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ कुछ बेटा हर्माफ्रोडाइट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल. अच्छा, कोई कीड़ा बाइसेक्सुअल है मतलब क्या, कि उस कीड़े पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों भी एक ही कीड़े पे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल. सो सम ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल एंड सम ऑफ देम आर बाइसेक्सुअल. ये याद रखो. यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखने के लिए टेक्निक याद रखने का, ग्लॉसस ग्लॉसस. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बैलेनोग्लॉसस. ऐसे ही बेटा कीड़ा जैसा दिखता है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज सैकोग्लॉसस. स्पेशल पॉइंट में ये याद रखो दैट हेमिकॉर्डेटा इज द कनेक्टिंग लिंक. आई रिपीट, हेमिकॉर्डेटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. ये दोनों कैटेगरी ऑफ जानवर को जोड़ने वाली कड़ी है. क्योंकि देखो ना, हेमिकॉर्डेटा के पहले जितने भी जानवर थे उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है,
और हेमिकॉर्डेटा के बाद यानी हमारे आने वाले लेक्चर में हम लोग कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है। सो हेमिकॉर्डेटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड दैट इज कॉर्डेट्स। आई रिक्वेस्ट यू टू क्विकली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। डन सर, मैं इतना सारा इंफॉर्मेशन कैसे याद रखूं? ओके बेटा, तो इसको है ना तुम्हें टैब्यूलर फॉर्म में याद रखो। यानी देखो, सबका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू वर्ड मीनिंग कि मोलुस्का का नाम मोलुस्का क्यों रखा है, क्योंकि सॉफ्ट अस्लाइन है। इसको एकिनोडर्मेटा क्यों बोला, क्योंकि कांटा है इसके बॉडी पर और कांटा कैल्शियम का बना है। ओके, इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों बोला, बॉडी के तीन टुकड़े हैं और नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रोबोसिस रीजन। तो फर्स्ट पॉइंट सबका ना वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बेटा जो सेकंड पॉइंट है ना, वो उनके हैबिटेट से रिलेटेड है कि ये जानवर मुझे किधर मिलेगा। ओके, तो वो लैंड पे भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, सिर्फ पानी में मिलेगा। ओके, रेत में मिलेगा और पानी में मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट ऐसे कंपेयर कर लो, इसको डिफरेंस बिटवीन की तरह टैब्यूलर फॉर्म में बनाओ बेटा, ईजी होएगा। ओके, अच्छा फिर बाद में हम लोग देखें। सो हम लोग ने जर्म लेयर्स के हिसाब से बात की है बेटा, तो जर्म लेयर्स के हिसाब से ट्रिप्लोब्लास्टिक 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 इजी। फिर उसके बाद हमने सिमेट्री की बात की है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री एसएफ स्नेल। ओके, बायलैटरल रेडियल बायलैटरल। और फिर उसके हिसाब से वी हैव कंसीडर्ड कैविटी, बॉडी कैविटी के हिसाब से यूसीलमेट्स यूसीलमेट्स यूसीलमेट्स। एंड देन वी आर कंसीडरिंग द जेंडर दैट इज सेक्स, और जेंडर के हिसाब से यूनिसेक्सुअल 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 और बाइसेक्सुअल। एंड देन वी आर कंसीडरिंग एग्जांपल। ओके, एंड लास्ट में वी आर कंसीडरिंग बच्चा कुचा पॉइंट विच आर स्पेशल पॉइंट, जो यूजुअली कंपेयर नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग ने सेपरेट ही कर दिया। स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, इसके प्रीवियस दो वीडियो में भी हमने जो टैबुलर फॉर्मेट बनाया है ओके, उसको भी आप कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करो, देखो कि कौन से पॉइंट्स सबके रिलेटेड है। ओके, सबका वर्ड मीनिंग, सबका हैबिटेट, सबका सेक्सुअलिटी, सबका सिमेट्री साथ में लिखो और एग्जाम्पल साथ में लिखो। इस तरह से पढ़ोगे सो इट विल बिकम कंपैरेटिवली इजी, एंड बायोलॉजी इज ऑलवेज इजी। हैव फन रीडिंग दिस सब्जेक्ट बेटा, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।